everybody. How are you? This is my sister Najia and this is my sister Afia. हम तीनों बैठे हुए थे आज और हम डिस्कस कर रहे थे एज मदर्स कि ये पाकिस्तान में जो एक बहुत ही हॉट टॉपिक है राइट नाउ, ट्रांसजेंडर एक्ट, ये हमें कैसे अफेक्ट कर रहा है, हमारे बच्चों को कैसे अफेक्ट करेगा और हमारी सोसाइटी को कैसे अफेक्ट करेगा. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई वॉन्ट टू से, आई एम गोइंग टू कम टू द बोथ ऑफ देम इज, एक ट्रांसजेंडर का नाम जो है इसको आप समझे पहले. हु इज द मोस्ट फेमस ट्रांसजेंडर इन द वर्ल्ड? किम कार्डाशियन का सबको पता है, उनके अब्बू का सबको पता है, उनके अब्बू थे और उसके बाद वो उनकी अम्मी बन गए. हिज नेम इज आई थिंक कैटलिन जेनर. ही इज द मोस्ट फेमस ट्रांसजेंडर. अब ये जो एक्ट पाकिस्तान में बना है ये ऐसे लोगों के लिए बना है? जी नहीं, ये एक्ट बना था ख्वाजा सरा के लिए. ख्वाजा सरा इंटरसेक्स लोग हैं, इंटरसेक्स लोग और ट्रांसजेंडर लोगों में बहुत फर्क है. हमारे एक्ट पे जो हम लोगों की एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी है ख्वाजा सरा की, जो 70 साल बाद हम उनके लिए कुछ कर रहे थे, उस हकूक पे भी आके ट्रांसजेंडर आके बैठ गए कि हमारे हकूक पहले थे. दिस इज रॉन्ग. व्हाट डू यू फील नाजिया? यस, आई फील दैट ये जो कानून बना है जो सारे पार्लियामेंट में भी और सेनेट में वो यही बात कर रहे हैं कि ये ख्वाजा सरा के लिए बना है. अब देखिए, जब आप कानून बनाते हैं उसके अंदर अल्फाज कितने उनकी अहमियत होती है. yes. और आपने पूरे एक्ट में कहीं ख्वाजा सरा का नाम ही नहीं लिखा, आपने ट्रांसजेंडर नाम लिखा है.